तुम अब चाहे शंकर जी आ जाए चाहे बसंती आ जाए, और कितनी आने दीजिए, चार पांच है क्या तुम्हारी का, बैठ जाओ यहाँ आओ आगे सर। कहाँ समस्या लेके आए, कहाँ के हो? गुरु जी बहुत एक साल से परेशान है हम। अच्छा। कोई समझ में नहीं आता है कौन देवी देवता परेशान कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, आप नहीं समझते कौन देवी देवता है? हम समझते, हम धनगुआ के हैं। धनगुआ? धनगुआ जो कहाँ पड़ता है बेटा? ये छतरपुर के पास में पड़ता है। किस जगह पड़ता है? ये बागेश्वर से हमारा गांव 50 किलोमीटर दूर है। आगे या पीछे? थोड़ी सागर रूट पर है। चलो क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि हम स्थान दें, वो पंच अखाड़े में बोल देता है देवता के स्थान चाहिए चाहिए वो चाहिए, वो कौन बुरी सी शक्ति है, कौन साजी है, कौन गलत है? आपने अभी तक और कहूँ पूछा नहीं? ए, पहली बार हमारे एक परिवार में हमारी आपने कहीं और भी पूछा है क्या? अरे बहुत जगह बताएं तो मैं पूछा। हम बागेश्वर हुआ, एक जगह एक तांत्रिक को बुलाया, उसी ने तो नहीं फंसा दिया। क्या बताया उसने? बोला उसने ये दुनिया भर का नाटक करता रहा, हमको मालूम नहीं, हम क्या जाने, हम तो जब से इस चरण में आए आपके तो हमको थोड़ा बहुत लाभ मिला है। सीधे बैठो, ऐसे इस साइड मुंह करके ऐसे। हाँ अब बोलो। माइक उठाइए। तो वो तांत्रिक ने क्या बताया? उसने बोला कि कुछ नहीं है ऐसा वैसा, उसने बहुत फंसा दिया, हमें लगा उसी ने फंसाया है कि हमारे चाचा ने। और जगह क्या बताया? और एक जखा धाम गए थे गुरु जी हम। जगा धाम? जगा धाम ये बक्सवाय के पास में पड़ता है, वहाँ गए थे हम। उनने क्या बताया? उनने बताया कि आपको नशे में खिलाया है कुछ, आपको कुछ बुरी शक्ति दे दी, ऐसा कुछ कह दिया उनने। और दूसरे लोगों ने क्या बताया? और ये वो पता लो नहीं है कहाँ कहाँ दिखवा ली गुरु जी, क्या बताएं हमने, कम से कम एक सी बात नहीं बताई। हाँ एक सी बात, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, यहाँ से हमको 2 महीने में लाभ मिला है गुरु जी, बिना नंबर के, बिना नंबर के। और हम मन में सिद्धा रखे दे रहे कि हमको यहाँ लाभ मिलेगा गुरु जी। हमारे 3 बच्चे हैं और हम बहुत परेशान है गुरु जी, ये कौन सी शक्ति है? लड़का कितने है? लड़के 2 हैं हमारे, एक लड़की है, और उनको भी सवारी पत्नी को भी आती है, और पंच अखाड़े में पूरे पागल सी करती है। ठीक है। वही हमारी एक भाभी खत्म हो गई थी गुरुजी, वो तो नहीं परेशान करती, अकाल मौत हो गई थी फांसी लगा के। अच्छा ये पिरोतोनी में के कहाँ आए गुरुजी? और हमारे एक परिवार में चाचा ने खत्म हो गए थे, नावती गुनिया ने खत्म करवा दिया था। अच्छा। परिवार में मेहदीपुर गए क्या आप कभी? हाँ हम नहीं गए गुरुजी, बागेश्वर गए और जखा धाम। क्या बताया कितने जहाँ का नाम दिया? जखा धाम। ये क्या नाम लिया था? बागेश्वर। बागेश्वर वहाँ गुरुजी हमने 22-23 पेशी करी, वहाँ कोई लाभ नहीं मिला गुरुजी। उन्हें कुछ बताया था? हाँ वहाँ नहीं बताया कुछ, वहाँ गए भी थे तो कुछ ढकेल देते थे, कुछ ऐसा कर देते वैसा कर देते। आप जगह 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 कौन से हैं? जगह जखा धाम जेतुपुरा बक्सवा के लगा। इन्हें क्या बताया फिर? इनने बताया कि आपको नशे में कुछ खिला दिया है और आपके देवी। नशा करते हैं आप? हाँ गुरु जी हम नहीं करते, थोड़ा बहुत गुटका वह खाते हैं वैसे। गुटका में खिला दिया। हाँ जब से हमने बब्बा जू की भक्ति करी है जब से हमने कुछ सब कुछ छोड़ दिया। अब हमने क्या लिखा पढ़े? हमने लिखा आपके ऊपर गौण बाबा हैं, माता कालका हैं, स्थान बंधन है, लाभ होगा बसंती देवी पति शंकर सेन की आप के परिजन है, घर में चौकी रखी गई है और बहू एक फांसी द्वारा मरी है। हाँ हाँ। वही आपके घर में चूड़ैल बनी है, लाभ होगा आशीर्वाद। सो उसको क्या चाहिए, स्थान चाहिए कि मुक्ति चाहिए? नहीं बहू जो फांसी द्वारा मरी है। हाँ। इसको थापना है, उसको स्थान चाहिए। गुरु जी एक कौन सा भोजन उनको चाहिए? कुछ नहीं, आप हनुमान जी को नारियल चढ़ाओ। हाँ। बिगर तोड़े। हाँ, गारंटी हमारी चकाचक। वो जब ये देवी देवता को स्थान देंगे तो सुंदरकांड करवा देंगे वहाँ। आपके घर में कालका है और गौण है। हाँ ठीक है। ये कालका कहाँ से आ गई? पुरानी बकरी में तो नहीं है बेटा, गौण बाबा के साथ में। अच्छा गौण बाबा के साथ में, चौकी हट जाए गुरु। तुम्हारे घर में गौण पूछते? हाँ पदम सिंह गौण पूछते हैं, एक कन्हई बाबा है हमारे एक। जो भी है ये। हाँ। है ना, ये भी रोते आते हैं हमारे सेहू। वाह। ये इन्हें पूजने, इन्हीं के संग में जो कालका माता है। और गुरुजी हम तो पंच अखाड़े से कहीं नहीं जाते। चलो जो हनुमान जी के खड़े हो जाते बस आपकी। और माइक रख दो, रख रख हो कल्याण जाओ।